सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पोको के M2 डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में एक नया अपडेट है, वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो अपडेट के अंदर आप लोगों को चेंजेस है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, फीचर है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में कम्प्लीट आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी डिवाइस के अंदर ये जो अपडेट है ना वो यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा। सो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखते रहिए। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, वीडियो को अभी तक मैं पर लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का। सो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे इस डिवाइस के लिए MIUI 13 का अपडेट है वो एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज किया जाता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब गाइज आप लोगों को बताएगा कि कल के दिन यहाँ पर पोको M2 जो डिवाइस है ना इसके लिए MIUI 12.5 का अपडेट है ना वो रिलीज किया गया था, जिसका वर्जन नंबर था 12.5.7.0 और 163 MB की आप लोगों को यहाँ पर अपडेट की टोटल साइज है ना वो देखने को मिलती है। वही मैं आप लोगों से बात करूं इस अपडेट के चेंज लॉग के बारे में। सो अपडेट के अंदर आप लोगों को चेंज है ना वो यहाँ पर इतना ही देखने को मिलता है कि इस अपडेट के अंदर आप लोगों को लेटेस्ट जुलाई का सिक्योरिटी पेस्ट का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज July 2022। अब मुझे यहाँ पर एक अजीब बात है ना वो यहाँ पर ये लगी है कि यहाँ पर ये जो अपडेट है ना वो कल के दिन यहाँ पर सुबह के टाइम पे रिलीज किया गया था। आप लोगों को गाइस डेट है ना वो देखने को मिलती है अगस्त 2, तो ये जो अपडेट है ना वो रिलीज किया गया था लगभग 1 बजे के आसपास। तो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ में न्यूज है ना वो शेयर करी थी कि पोको M2 जो डिवाइस है ना इसके जो पायलट टेस्टर है उनके लिए नया अपडेट है ना वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर शाम आती है और शाम को देखते हैं तो क्या पोको M2 जो डिवाइस है ना इसके लिए MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज करा दिया जाता है पोको की तरफ से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 13.0.2.0 का अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है सेम डे, लेकिन ये जो अपडेट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास देखने को मिलता है या फिर 7 बजे के आसपास देखने को मिलता है। तो ये एक अजीब बात लगी कि यहाँ पर सुबह तो एक नया अपडेट है ना वो रिलीज किया जाता है और शाम को उसी डिवाइस के लिए MIUI 13 का अपडेट है ना वो रिलीज करा दिया जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया ना सो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से यहाँ पर बता सकते हो। यहाँ पर गाइज आप लोग देख तो एक अजीब बात है ना वो आपको और देखने को मिलती है कि ये जो पुराना वाला अपडेट था ना जो कि सुबह के टाइम पे यहाँ पर रिलीज किया गया था इसके अंदर आपको July 2022 का लेटेस्ट से भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पेस्ट का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया था। और MIUI 13 का जो अपडेट है ना इसके लिए जो अपडेट है वो रिलीज किया गया है वो है July 2022। सो दोनों जो अपडेट है ना उनके अंदर आपको सेम यहाँ पर सिक्योरिटी पेज का जो अपडेट है ना वो देखने को मिलता है, लेकिन ये जो अपडेट है वो सुबह के टाइम पे आया है और ये जो अपडेट है वो आपको शाम के टाइम पे देखने को मिलता है। सो इनके बीच की कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर गाइज जो ये अपडेट है जो की सुबह के टाइम पे यहाँ पर रिलीज किया गया ना वो यहाँ पर बहुत सारे यूजर है उनको देखने को मिला है। अगर आप लोगों को यहाँ पर पता ही होगा जैसे ही मैंने यहाँ पर ये पोस्ट है ना वो शेयर करी थी, काफी लोगों के मेरे पास टेलीग्राम पे यहाँ पर मैसेज आए थे कि हमारे इसके अंदर अपडेट है ना वो आ चुका है। और ये जो अपडेट है पोको M2 इसके लिए जो शाम को अपडेट आया था MIUI 13 का, ये जो अपडेट है ना ये भी काफी सारे यूजर है ना उनको यहाँ पर दिया गया था। और आप लोग यहाँ पर रिएक्शन देख के समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे जो यूजर है ना उनको ये अपडेट है वो रिसीव यहाँ पर हो गया था। इसमें आप लोगों को यही कहूंगा अगर आपके डिवाइस के अंदर ये वाला जो अपडेट है ना वो यहाँ पर आता है तो इसको भी आप लोग अपने डिवाइस के अंदर अपडेट कर सकते हो। और अगर आपके डिवाइस के अंदर ये अपडेट शो हो रहा है तो इसको भी आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग इस अपडेट को इंस्टॉल कर लोगे ना तो ये जो अपडेट है वो तो आपको इजी वे के अंदर मिल जाएगा, बाकी ये जो अपडेट है वो तो यहाँ पर रिलीज हो ही रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे, तो मैं भी हो गया था जब यहाँ पर सुबह ही अपडेट आया था और शाम को ये अपडेट है ना वो यहाँ पर आ गया था। वैसे मैंने MIUI 13 का जो अपडेट है जो की पोको M2 डिवाइस के लिए रिलीज किया गया था इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। सो अगर आप लोगों को फीचर के बारे में जानना है ना तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख दो इस
इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट फीचर है वो बता रखे हैं, जो कि आपको पोको M2 डिवाइस के अंदर आफ्टर MIUI 13 के अपडेट के बाद में देखने को मिलता है। और गाइज ये जो अपडेट है वो आपको एंड्रॉइड 12 के साथ में देखने को मिलता है। सो इसके लिए अपडेट की जो टोटल साइज है ना वो यहाँ पर आप लोगों को 2.6 GB देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं पुराने वाले अपडेट के अंदर आप लोगों को चेंजेस है वो कौन कौन से मिलते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है जुलाई 2022 का सिक्योरिटी पैचों का जो अपडेट है ना वो देखने को मिलता है, और यहां पर जो आपके फोन की परफॉर्मेंस है उसको यहां पर इंप्रूव किया गया है इस अपडेट के अंदर। स्टेबिलिटी है उसको यहां पर इंक्रीज किया गया है। अगर आप लोग एप ड्रॉवर मतलब कि कोई भी यहां पर जो एप्लीकेशन है उसको ओपन यहां पर क्लोज करते हो सो उसके अंदर आप लोगों को एनिमेशन है ना वो यहां पर देखने को मिल जाती है। सो ये छोटे मोटे चेंजेस है ना गाइज वो आप लोगों को यहां पर इस अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी अपडेट स्मूथ है, दोनों ही अपडेट है ना वो आपको यहां पर स्मूथ देखने को मिलते हैं 12.5.7.0। अब यहां पर कुछ जो यूजर है ना वो Redmi 9 Prime डिवाइस है उसको यहां पर यूज करते हैं, तो उनके लिए थोड़े ही दिन पहले एक नया अपडेट है ना वो रिलीज किया गया था, और ये जो अपडेट है ना वो यहां पर था 12.5.5.0 का 158 MB के साथ में और जून 2022 के सिक्योरिटी पेचलू के अपडेट के साथ में। ये अपडेट 29 जून को यहां पर रिलीज किया गया था, जुलाई को यहां पर रिलीज किया गया था, तो इसके लिए अपडेट है ना वो कब तक आएगा? तो गाइज आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अभी आज आप लोगों को डेट है ना वहां पर मिलती है 2 अगस्त और 3 अगस्त, तो आपको 10 या फिर 15 अगस्त के आसपास का वेट कर लेना है अपडेट है ना वो रिलीज हो सकता है Redmi 9 Prime डिवाइस के लिए। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग Poco M2 डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो सो MIUI 13 का अपडेट है वो 10 अगस्त के आसपास एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज होगा, और कल रात को अपडेट है ना वो फिर से यहाँ पर रिलीज हुआ था। सो मैंने आपको स्क्रीन शॉट के साथ में इन्फॉर्म किया था कि Poco M2 जो डिवाइस है ना इसके लिए MIUI 13 का अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। तो इसके साथ में आपको न्यूज है ना वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाती है। सो अगर आप लोगों ने इसको अभी तक भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है सो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट है ना वो रिलीज किया जाता है स्क्रीनशॉट के साथ में न्यूज है ना वो आपको सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाती है। इस अपडेट के अंदर भी आपको परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी देखने को मिलती है, और इस अपडेट के अंदर भी आपको परफॉर्मेंस है ना वो यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलती है। बाकी अगर आप लोग MIUI 13 अपडेट करने का यहाँ पर सोच रहे हो ना तो यहाँ पर रिव्यू वीडियो का जरूर से यहाँ पर वेट कर लेना, 1 से 2 डेज के अंदर आपको रिव्यू की वीडियो है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि अपडेट है ना वो आपको यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोग साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना वो शेयर करनी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।